हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे DSSSB TGT कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम ड्रेस कोड क्या रहेगा, हम अपने साथ क्या क्या लेकर जा सकते हैं, क्या क्या नहीं लेकर जाना। तो उन्हीं सब से रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आई होप आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम 1 अगस्त को है, 7 अगस्त वालों का अभी एडमिट कार्ड नहीं आया होगा, तो सबसे पहला तो अपना एडमिट कार्ड निकलवा ले, ठीक है। एडमिट कार्ड निकाले, एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी आप फ्यूचर पर्पज़ के लिए रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो उससे भी आपका फ्यूचर में काम चल सकता है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला आपको क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाना है। सबसे पहला तो बी ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पर पहुँचें, टाइम से पहले ही जाएँ, लेट ना हो। जो भी आपके एडमिट कार्ड में आपका टाइम गिवन है उसी टाइम पे पहुँचे। उसके साथ ही सबसे पहला तो आपको आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको आपका आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जो भी आपने मेंशन किया हुआ है। आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, आईडी प्रूफ आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, सॉफ्ट फोटोकॉपी नहीं लेकर जाना। उसके साथ ही कोविड की वजह से आप अपना फेस मास्क लेकर जा सकते हैं, फेस मास्क, वाटर बोतल लेकर जा सकते हैं। वाटर बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वाटर बोतल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र बोतल लेकर जा सकते हैं आप, छोटे वाली हैंड सैनिटाइज़र बोतल, तो वो भी आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आप ग्लव्स लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। उसके बाद बात आती है ड्रेस कोड की। बार बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि मैम ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो अगर हम बात करें ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड वहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन है। हाफ स्लीव्स की शर्ट, टी शर्ट या सूट, जो भी गर्ल्स है या बॉय है, तो उसके जो ड्रेस होगी उसमें हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। अदरवाइज तो कुछ सेंटर्स पे स्लीव्स को कट कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि PGT एग्ज़ाम में कुछ सेंटर्स पे स्लीव्स को कट भी कर दिया गया था। तो इसीलिए आपको अपनी ड्रेस क्यों ख़राब करानी है, आप घर से अपना हाफ स्लीव्स कपड़े पहन के जाएं, ठीक है। नीचे आप पैंट, ट्राउज़र कुछ भी पहन सकते हैं, सलवार पहन सकते हैं, सूट सलवार हो सकता है, टी शर्ट लोवर हो सकता है, तो जो भी आपको ठीक लगे वो कपड़े पहन के जाएँ। बिल्कुल मतलब स्मूथ कपड़े पहन के जाएँ, लाइट वेट कपड़े पहन के जाएँ, कहने का मतलब है लाइट वेट कपड़े पहन के जाएं। ज़्यादा टाई शाई बेल्ट वेल्ट ये सब इतना ज़्यादा कुछ करके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको हाफ स्लीव्स शर्ट, टी शर्ट, सूट आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आपको शूज़ नहीं पहनकर जाने हैं, स्लीपर्स पहनकर जा सकते हैं, सैंडल, स्लीपर्स, चप्पल ये सब आप पहन कर जा सकते हैं, लेकिन शूज़ बिल्कुल ना पहन के जाएं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको लाइट वेट कपड़े पहन कर जाने हैं, ठीक है। तो इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें ड्रेस कोड के लिए, हाफ स्लीव्स और स्लीपर्स, ठीक है, शूज़ ना पहने। फ़ोन आपको, आपका फ़ोन वहाँ पे कैरी करने के लिए होगा, लेकिन फ़ोन अगर साथ में कोई जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फ़ोन को वहाँ पे सबमिट भी करा लेते हैं, बाद में आपको दे दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा सामान कुछ भी ना लेके जाएं। उसके साथ ही फीमेल कैंडिडेट्स अपनी गोल्ड की एसेसरीज़ को घर पर ही लेकर जाएं, घर पर ही रख कर जाएं, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ हैं उन सभी को आप साथ में ना लेकर जाएं, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा एसेसरीज़ हैं उनको अपना घर पर ही रख के जाएं, क्या फ़ायदा है वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कराने से, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, टाइम पर पहुँचना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आईडी प्रूफ लेकर जाना है, फेस मास्क, वाटर बोतल, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स ये सब आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनकर जाने, शूज़ नहीं पहनने, एक्स्ट्रा एसेसरीज़ नहीं पहननी, फ़ोन को आप साथ में लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे सबमिट हो सकता है आपका फ़ोन। उसके साथ ही आप अपना एक फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, अगर चाहते हैं तो फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मेंशन नहीं है। पेन, रफ शीट वो आपको अंदर ही मिलेगी, वहीं पे उसको रखवा लेंगे साथ में, लेकिन आपको अंदर जाते हुए पेन और रफ शीट्स आपको दे दी जाएंगी।
और फोटो की मे भी जरूरत ना, वहाँ पे जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपके पास वही सेम फोटो एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो आप साथ में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। आई होप इन सभी चीज़ों से रिगार्डिंग कि क्या लेकर जाना है क्या नहीं लेकर जाना है, उन सभी से रिगार्डिंग आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, वो सबमिशन होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम वॉच वो सभी कोई भी अलाउड नहीं होगा। एक्स्ट्रा आइटम्स में आपकी वॉच भी आ सकती है, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आ सकती हैं, फ़ोन आ सकता है, ईयरफोन आ सकते हैं, तो ऐसी कुछ भी चीज़ें ना लेकर जाएं। उसके साथ ही जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं एक बार उनको आप खुद से ध्यान से पढ़ें, और जो लास्ट थर्ड पेज है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो आप अपना घर से फिल करके लेके जाएं, वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा इन्विजिलेटर के पास, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं रहा होगा। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पे नहीं है देन आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। सबसे पहले अपडेशन वहीं पे दी जाती है, या फिर फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी हो रखी होगी, जिनका एग्ज़ाम 1 अगस्त को है, जिनका 7 अगस्त को है उनके पास अभी 1 वीक का टाइम है, तो वो अभी अपनी थोड़ी और प्रिपरेशन कर सकती हैं। सो यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।